Hello students, so today we will do exercise 11.4 of your chapter Conic Sections. But before going to the exercise, I would like to clear your concept regarding the exercise. So here we will discuss the concept about hyperbola. Or student, jaisa ki aapne dekha hai, isse pehle aapne ellipse ke case mein, sabhi ke sabhi formulae aapne padhe hain, theek usi tarah se yahan par मैं आपको देखो हाइपरबोला बताना चाहूँगा. अभी मैं आपको हाइपरबोला बताता हूँ. हाइपरबोला जो फोर्थ वाला सेक्शन था हमारा, उसको अभी हम भूले नहीं हैं. तो उसमें इसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ, या ध्यान से देखें. यहाँ पर तो आपका जो एसेंट्रिसिटी था, ये ध्यान रखेंगे, ई की वैल्यू लेस देन वन है. देखो ये वन माइनस समथिंग है, और वहाँ पर ये ग्रेटर देन वन होती है. किसके केस में? हाइपरबोला केस में. और यदि ये ग्रेटर देन वन हो जाएगी तो ये वापस खुल जाएगा. और यही थी वो फिगर जो हमने अभी दिखाई थी थोड़ी देर पहले आपको. और ये क्या थी मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ. लो, ये यहाँ देख सकते हैं, तो ये ऐसे आएगा. दिस इज योर हाइपरबोला. चौथे वाला केस है आपका, ये आपका हाइपरबोला. और इस केस में देखेंगे आपको तो मिलेगा फोकस, एफ वन एफ टू लिख सकते, और डायरेक्ट्रिक्स कहीं पीछे आ जाएंगे. अब देखिए कैसे चेंज होता है. जो इक्वेशन होगी उसमें आपके, मैं इसी के साथ कोरिलेट करके बताता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर में यहाँ प्लस की जगह माइनस होगा. और ये कोई सा भी कोई से बड़ा हो सकता है, करेक्ट है. जो पॉजिटिव वाली एक्सिस है ये आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस होगी, जिसके ऊपर फोकस लाई करेगा. और जो नेगेटिव वाले के साथ में जो एक्सिस आएगा वाई पे, वाई के ऊपर जो है, ये आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस होगी. ठीक है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस. यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जो इसका वर्टिक्स है ये आपका ए कोमा जीरो, और यहाँ पर माइनस ए कोमा जीरो लेंगे. और इसका मतलब जो आपका ये सेंटर है, और ये वाला प्लस ए ई कोमा जीरो, और ये माइनस का ए ई कोमा जीरो. फिर ई का वैल्यू पहले वाले की तरह है क्या? नहीं, थोड़ा सा फ़र्क है. क्या फ़र्क है? यहाँ पर आपका ध्यान रखेंगे, मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ डायरेक्ट, ये आपका कितना हो जाएगा? प्लस का आता है. क्या आएगा? प्लस का. इस केस में ई की वैल्यू ग्रेटर देन वन. ध्यान से देखो कितनी चीज़ें सेम रहेंगी, बिल्कुल सारी चीज़ें सेम. ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी आप C लिख सकते हैं. C की वैल्यू में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. ये डिस्टेंस में, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या हो जाएगा? माइनस. ये कोई मायने नहीं रखती. अब जब बोर्ड पे आप जो भी कुछ देख रहे हैं ये सारा किसके बारे में है? हाइपरबोला के लिए रह गया. ये लो, ये हाइपरबोला है. आप कहेंगे इसमें सर बाकी सारी सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अभी आपने मिटाई नहीं है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ. देखिए ये आपको इक्वेशन दी होगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस की जगह माइनस आएगा इक्वल टू वन. वर्टिक्स क्या होगा? प्लस माइनस ए कोमा जीरो, देखो वही मिल गया पहले वाला ही. फोकस प्लस माइनस ए ई कोमा जीरो, बिल्कुल देखो पहले वाला ही मिल गया. फिर ई की वैल्यू सी बाई ए. सी की वैल्यू क्या है? मैंने आपको यहाँ पर बताई. सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट. डायरेक्ट रखेंगे आप लोग. और फिर क्या है आपका ई की वैल्यू? एसेंट्रिसिटी. एसेंट्रिसिटी जो है आपकी कितनी हो जाएगी? जब सी की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा. इस केस में एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन वन आएगी. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ना बोल के क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस. ट्रांसवर्स एक्सिस. और ये कितनी होती है? टू ए. यहाँ से यहाँ तक कितना आपका डिस्टेंस? ए. और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? ए. तो आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा आपका? टू ए. इसी तरह लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ना बोल के इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस. कॉन्जुगेट एक्सिस. और इसकी लेंथ लिखेंगे आप टू बी. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहाँ है? यहाँ पर. अरे ये भी आपकी चेंज नहीं होती. देखिए ये होगी आपकी एक्स इक्वल टू ए बाई ई, और यहाँ एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ई. अभी देखेंगे ए से कम है डेफिनेटली, ई की वैल्यू वन से ग्रेटर है. यदि ए को आप किसी वैल्यू वन ग्रेटर देन वन से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितना होगा? लेस देन ए ही होगा. बिल्कुल ये कहीं यहीं पर लाई करेगी. और नेक्स्ट क्या बचा आपका? लेटस रेक्टम. आइए
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम b स्क्वायर 2b स्क्वायर अपॉन ए बिल्कुल सेम होगी, और यहां मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो जो भी आपको यहां पर मिला सामने, ये सारा आपका किसके लिए हो गया, हाइपरबोला के लिए। यहां पर आप देखेंगे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तो जब हम इलिप्स बनाते थे, देखिए वो किसी ऐसी शेप आती थी, यस और नो, क्लियर है? तो यहां पर क्या करना, इस इलिप्स को यहां से तोड़ दीजिए, यहां से दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। अब ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, दोनों को उलट के रखते हैं हम लोग, चलिए रखते हैं। ये जो दो पार्ट बने थे हमारे इलिप्स के, कैसे, यहां से काट के, तो एक पार्ट ये था एक पार्ट ये, इनको दोनों को मोड़ देता हूँ, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये जो ये शेप है, दिस इज कॉल्ड हाइपरबोला। क्या बोला? हाइपरबोला। तो यहां आप देखेंगे कि जैसा पैराबोला के केस में था, यहां से यदि हम लाइट डालते हैं पैरेलल टू द एक्सिस, तो जहां वो इकट्ठी होती है, कंसंट्रेट होती है वो लाइट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग थ्रू द सरफेस ऑफ द पैराबोला, उसको हम क्या कहते थे, फोकस। तो यहाँ भी ठीक है, ये पार्ट ऑफ पैराबोला ही है, तो इसका मतलब यहाँ पर दो फोकस होंगे, प्लूरल ऑफ फोकस इज फोकाई, तो यहाँ पर टू फोकाई बोल सकते हैं हम लोग। ये आपका सेंटर होगा इस पूरी की पूरी शेप का, और डायरेक्ट्रिक्स आपको मालूम है, एक लाइन होती है जो परपेंडिकुलर द एक्सिस ऑफ पैराबोला होती है, तो यहाँ दो पैराबोला हैं, तो दोनों के लिए दो अलग अलग डायरेक्ट्रिक्स होंगी। तो चलिए, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये होती है, आपको जैसा हमने बताया था बेसिक वाले पार्ट में, एस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। यहाँ पर ए बड़ा है बी से या बी बड़ा है ए से, इसका कोई मैटर नहीं करेगा। तो फिर क्या मैटर करेगा, यहाँ पॉजिटिव कौन सा है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव है या वाई स्क्वायर का, इट माइट बी ऑफ द फॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, तो वहाँ वाई स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव है, तो एक्स एक्सिस इसकी एक्सिस होगी। और यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका सेंटर हो गया, ये जीरो जीरो हो गया, फिर जो इसके वर्टिक्स हैं ये इधर वाला ए कोमा जीरो होगा, ए की वैल्यू यहाँ से देखेंगे आप, बी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे जो गिवन इक्वेशन को से इक्वेट करके, और ये आपका कितना होगा, ये माइनस ए कोमा जीरो होगा। अब जो एक्सेंट्रिसिटी निकालेंगे हम इसकी, एक्सेंट्रिसिटी वो होती है वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, किसके केस में होती थी, ये इलिप्स के केस में होती थी। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पर, देखिए वहाँ पे इलिप्स के केस में यहाँ प्लस होता था, तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस होता था, यहाँ प्लस है। ध्यान रहे, इसके लिए जो एक्सेंट्रिसिटी होती है वो ग्रेटर देन वन होती है ऑलवेज, और जो कि इलिप्स के लिए क्या होती थी, लेस देन वन, और पैराबोला के लिए मैं बता दूं इक्वल टू वन। ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन लिखते हैं, वंस यू नो द वैल्यू ऑफ एक्सेंट्रिसिटी, तो इसका जो फोकस हो ये होगा आपका ए ई कोमा जीरो, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस ए ई कोमा जीरो। फिर क्या चेक करेंगे आप लोग, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगी एक्स इक्वल टू ए अपॉन ई, और ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। और क्या बचा आपका, एक बताया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये बिल्कुल ठीक है इलिप्स की तरह ही है, तो ये जो ए बी लेंथ है, चाहे यहाँ से निकालें या यहाँ से निकालें, तो ये आपकी होगी बी स्क्वायर अपॉन टू बी स्क्वायर अपॉन ए, जो कि आपका इलिप्स के केस में आता था। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, मैं इसके लिए लिखूँगा, जो इस एक्सिस पे ये बना है हाइपरबोला, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ये कितनी हो जाएगी आपकी, दिस इज टू ए, और दूसरा होगा जो परपेंडिकुलर टू दिस यानी वाई एक्सिस पे जो है, ये आपके आ जाएगा लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस के लिए क्या आएगा, बी, तो ये हो जाएगी आपकी ट्वाइस ऑफ बी। एक्सिस ऑफ हाइपरबोला क्या होगी, एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, एक्सिस ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, और यदि बोले इक्वेशन ऑफ एक्सिस बताओ तो दैट इज वाई इक्वल टू जीरो। फिर यहाँ पर आएगा आपका फोकस, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, प्लस माइनस ए कोमा जीरो।
फिर वर्टिक्स देखिए, ये होगा अच्छा फोकस का होता है प्लस माइनस ए ई कोमा जीरो, पहले वर्टिक्स ही बता देता हूँ, वर्टिक्स प्लस माइनस ए कोमा जीरो। फिर फोकस का देखेंगे तो क्या बनेगा, फोकाई है, दो फोकस हैं यहाँ पर, वर्टिक्स भी दो हैं, एक प्लस के साथ में एक माइनस के साथ में, ऐसे ही फोकाई भी दो हैं आपके, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो इसी को प्लस माइनस ए ई कोमा जीरो कहेंगे। फिर इसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मैं यहाँ पर दे दूँ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी आपकी, ये होगी आपकी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, प्लस माइनस ए अपॉन ई क्योंकि ये आपका एक आपका ओरिजिन से राइट में आएगा, एक लेफ्ट में आएगा, और ध्यान रहे मैं किस एलिप्स के पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर सेंटर आपका ओरिजिन पे है। और एक लास्ट बचता है आपका क्या, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो ये लिख देता हूँ मैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और ये होता है आपका टू बी स्क्वायर अपॉन ए, टू बी स्क्वायर अपॉन ए इट इज सेम एज दैट इन केस ऑफ एलिप्स। तो स्टूडेंट मैं सभी के सभी जो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं आपके, तो इन वैल्यूज को नंबर देता हूँ, ये नंबर वन, ये नंबर टू, ये नंबर थ्री, ये नंबर फोर, ये नंबर फाइव, ये नंबर सिक्स, ये नंबर सेवन और ये नंबर एट, टोटल एट हमने टर्म्स निकाले हैं विद हेल्प ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब जो ये तो आपका केस वन था, पहला केस फर्स्ट, दूसरा क्या हो सकता है इस केस में, यहाँ पर केस सेकंड दिखाता हूँ मैं आपको, आपको इक्वेशन ऐसे भी दे सकते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह हम वाई स्क्वायर वाला पॉजिटिव दे देंगे, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, देखिए ए बड़ा है बी से या बी बड़ा है ए से, डजेंट मैटर, यहाँ पर एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि कौन सा टर्म आपका पॉजिटिव के साथ में है, तो यहाँ पे वाई वाला पॉजिटिव दिया हुआ है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो आपका हाइपरबोला बनेगा वो ऐसे बनेगा, देखो ठीक है, और यदि ऐसे हाइपरबोला आपका बना, ध्यान दें स्टूडेंट, तो यहाँ ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएंगी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जो आपका फोकस आएगा यहाँ पर देखिए, ये होगा जीरो कॉमा ए कॉमा ए ही, जीरो कॉमा ए ही, और ये होगा जीरो कॉमा माइनस ए ही, और ये हो जाएगा वाई इक्वल टू ए अपॉन ई, और ये हो जाएगा वाई इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई, ये आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई, और जो सेंटर है आपका जीरो जीरो है। फिर क्या रहा आपका वर्टिक्स देखते हैं, ये आपका हो जाएगा जीरो कॉमा ए, और ये जीरो कॉमा माइनस ए, और अभी हमें बाकी के एट आउट ऑफ एट टर्म डिस्कस करते हैं, ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, ये जो पहले टर्म की वैल्यू है ये बिल्कुल सेम रहेगी, वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का रूट, और सेकेंड टर्म देखिए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस दैट इज टू ए, और ये वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये टू बी आ जाएगी, यानी नो चेंज, और फिर यहाँ पर देखेंगे तो एक्स एक्सिस की बजाय ये वाई एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस की एक्सिस होगी, और इक्वेशन ऑफ एक्सिस यदि बोलेंगे तो यदि एक्स इक्वल टू जीरो, फिर यहाँ पर देखें जो वर्टिक्स है ये क्या हो जाएगा केस में, इसके में जीरो कॉमा प्लस माइनस ए हो जाएगा, और जो फोकस है ये हो जाएगा आपका जीरो कॉमा प्लस माइनस ए, और जो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है ये वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, आप देख सकते हैं प्लस वाला ये रहा और माइनस वाला ये रहा, और लास्ट आपका जो है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट इज नथिंग बट टू बी स्क्वायर अपॉन ए। तो स्टूडेंट ये सभी आपके कॉन्सेप्ट है दोनों केस में हमने आपको बताए, और वंस योर कॉन्सेप्ट आर क्लियर सो नाउ यू कैन प्रोसीड टू द एक्सरसाइज, और ये आपके 11.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वन, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई द वर्टिसेस द एसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोलास। तो आपसे पूछा है, पहला तो पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, फिर पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिस, और फिर है इसके बाद एसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू, और फिर आपसे पूछा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। और ये वैल्यू देखते हैं, तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर
x square by 16 minus y square by 9 equal to 1. तो देखिए ये फॉर्म हो जाएगी आपकी x square upon 4 का square minus y square upon 3 का square equal to 1. तो इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? Comparing with x square by a square minus y square by b square equal to 1. जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? a की वैल्यू मिलेगी 4 और b की वैल्यू मिलेगी 3. और इसे आप एसेंट्रिसिटी निकाल लीजिएगा, 1 प्लस b square upon a square, इसका अंडर रूट, तो ये हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का रूट करेंगे तो ए आ जाएगा. तो ये हुआ आपका 4 जा 16 प्लस 3 जा 9 का रूट अपॉन ए की वैल्यू 4, दैट इज नथिंग बट 25 का रूट 5 अपॉन 4. और अभी देखिए आप लोग ए की वैल्यू निकालिएगा, यहाँ पर ए की वैल्यू 4 है, ये 5 अपॉन 4, तो ए की वैल्यू आपकी 5 आ गई. एंड जो बी स्क्वायर अपॉन 2 बी स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू देखेंगे लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम के लिए, तो वो क्या हो जाएगी आपकी? ट्वाइस ऑफ बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 अपॉन, और ए की वैल्यू है कितनी? 4. तो ये हो जाएगा आपका 18 2, तो 9/2. चलिए स्टार्ट करते हैं आपका जो आंसर देना है. जो तो ये होगा आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी कि फर्स्ट केस है आपका. देखिए ये फर्स्ट वाला केस है, तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है, प्लस माइनस ए कोमा 0 होगा. ए की वैल्यू आपके पास है, कितनी वैल्यू है? ये है आपकी 5, तो प्लस माइनस 5 कोमा 0. अभी जो वर्टिक्स पूछा है ये प्लस माइनस ए कोमा 0 होगा, ए की वैल्यू कितनी है? ये 4, तो ये आएगा आपका प्लस माइनस 4 कोमा 0. ई की वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू आएगी आपकी 5/4. और लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम अभी हमने कैलकुलेट किया है, जैसे 9/2 यूनिट. तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1. और अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. ये आपका प्लस माइनस 5 कोमा 0 है, ये आपका वर्टिक्स हुआ. तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इक्वेशन दी है, यहाँ पर वाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 27. तो ये जगह आपका वाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 27, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 27 इक्वल टू 1. तो इसे हम लिख सकते हैं, तो ये 3 3 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर. ये आपका वाई स्क्वायर अपॉन है, ये आपका एक्स स्क्वायर अपॉन है. कंपेयर करेंगे किससे? सेकेंड वाला जो आपका केस है, इसमें देखिए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो यहाँ पे आपको मिलेगा, कंपेयर करने पे देखिए ए की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है, और जो बी की वैल्यू है 3√3 है. और इस तरह आप देखेंगे तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 3 का स्क्वायर 9, और ये कितना हो जाएगा आपका 27 अपॉन ए की वैल्यू कितनी थी आपकी? 3, और 27 प्लस 9 ये 36 का रूट 6 हो जाएगा, तो 6/3 इसकी वैल्यू आएगी आपकी 2. और यहाँ देखें तो ए की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी, ई की वैल्यू आपकी 2 आई है, तो ये आपका 6 हो गया. फिर 2b² / a देखिएगा, 2 और बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 27 है, और अपॉन ए की वैल्यू आपकी कितनी थी? ये 27 हुआ, और ये आपका 3, तो 3 9 जा 27, और ये 2 9 जा 18, ये आपके 18 आया. चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो जैसा कि आपको मालूम है ये सेकंड वाला केस है, तो इसका देखो यहाँ पर फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये आपका होगा 0 प्लस माइनस ए इंटू ई, ये 0 प्लस माइनस ए हो जाएगा. तो एफ के कोऑर्डिनेट हुए आपके 0 कॉमा प्लस माइनस, और ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, देखिए दैट इज 6, और ये हो जाएगा आपका वर्टिक्स प्लस माइनस ए, इसकी वैल्यू होगी 0 प्लस माइनस 3. ई की वैल्यू हमारी कैलकुलेट करने पे आई थी अभी 2 यूनिट, और जो आपका लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम है ये होगा आपका 18, तो ये 18 यूनिट होगा. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2. अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, और थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है, देखो 9y² - 4x² = 36.
9y square minus 4x square equal to 36. स्टूडेंट यहाँ पर 36 से थ्रूआउट आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखिए y स्क्वायर यहाँ पर आएगा आपका y स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, और इसे आप लिख सकते हैं y स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। कंपेयर करेंगे ये इसी के साथ में सेकंड वाला पार्ट, ये वाला फॉर्म बना सेकंड केस, तो a की वैल्यू आपके यहाँ पर देखो 2 आ जाती है और b की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपका 3 आ गया और ये वैल्यू आ गया आपकी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो कितना बना आपका 9 और 4, 13 का रूट हो जाएगा ऊपर तो देखो, और नीचे जो आएगा आपका ये 2, a की वैल्यू कितनी थी 2 आ जाएगा, तो ये रूट 13 बाई 2 आंसर आया e के लिए। अब a की वैल्यू रखेंगे, देखो a की वैल्यू आपकी 2 है और e की वैल्यू रूट 13 बाई 2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये रूट 13 आ जाएगा, और यहाँ देखेंगे तो 2b स्क्वायर अपॉन a, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, और b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पर, b की वैल्यू 3, तो b स्क्वायर की वैल्यू 9 अपॉन a की वैल्यू 2, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा, ये आपका 9 हुआ। चलिए वैल्यू रखते हैं, ये होगा a की वैल्यू रूट 13, और थोड़ा ठीक से लिख देते हैं इसको, देखो रूट 13, और जो v है वर्टिक्स के लिए ये प्लस माइनस a, a की वैल्यू 2, तो ये आपका प्लस माइनस 2 हो जाएगा, और e की वैल्यू जैसे हमारी आई थी रूट 13 अपॉन 2, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज नथिंग बट 9 यूनिट। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, यहाँ दिया है 16x² - 9y² इक्वल टू 576। तो जब आप 576 तो देखिए डिवाइड करेंगे 16 से, तो 576 16 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 16 3 जा 48, और ये अभी कितना बचा आपका, ये 96 बचेगा, और 96 16 6 जा, और इसी तरह से जब 576 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा आपका 9 6 जा और 9 4 जा, तो इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन थ्राउट से 576 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन, और 16 से डिवाइड करने पर आता आपका 36 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 से डिवाइड करने पर आता आपका 64 इक्वल टू 1, और ये फॉर्म बन जाएगा आपकी 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ध्यान रहे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर वाई स्क्वायर का मतलब ये केस 1 हुआ, यानी आपको किससे कंपेयर करना होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से आप कंपेयर करेंगे पहले वाला केस देखिए, और उस केस के फॉर्मूले सब नीचे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू देखेगा, ए की वैल्यू आती है आपकी 6 और बी की वैल्यू आएगी आपकी 8, और अभी ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस 64, और नीचे आपका ए का वैल्यू कितना था 6, और ये वैल्यू आपका 10 हो गया, 100 का अंडर रूट करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10/6 जिसको आप लिख सकते हैं 5/3। और स्टूडेंट यहाँ ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, अभी देखिए हम लोग जो ए की वैल्यू ये आपकी 6 थी और ई की वैल्यू अभी 5/3 आई है, तो 3 2 जाए ये आपका 10 हो गया। इधर लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम देखिए 2b² / a, तो यहाँ पर 2 और b स्क्वायर की वैल्यू है 64 अपॉन a की वैल्यू है आपकी 6, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कितनी वैल्यू आती है, 2 3 जा, तो ये वैल्यू आई आपकी 64/3। और अभी हम देखेंगे यहाँ पर आपका जो वैल्यू आएगी ये होगी आपकी फर्स्ट केस वाला लगाएंगे फॉर्मूला प्लस माइनस ए कोमा 0, जो पहला केस है उसमें, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाला फॉर्म है, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, और यहाँ पर ये आपका पहले वाला केस के लिए, तो फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या निकाली थी अभी हमने 10 कोमा 0, और फिर ये वाला फॉर्मूला बदल जाएगा पहले केस में, देखिएगा यहाँ पर ये आपका v प्लस माइनस ए कोमा 0, तो प्लस माइनस ए कोमा 0, और ये a की वैल्यू कितनी थी 6, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 6 कोमा 0, और e की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया दैट इज 5/3, और जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है दैट इज नथिंग बट ए
टू बी स्क्वायर अपॉन ए, टू बी स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू है आपकी 64, तो ये हो जाएगा 64 बाई 3 यूनिट। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यहाँ पर आपको दिया गया है 5y² - 9x² ध्यान दीजिएगा, 5y² - 9x² = 36। तो क्या हो जाएगा ये, इसे हम लिखेंगे देखो वाई स्क्वायर, हम दोनों तरफ 36 से डिवाइड करेंगे, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका 5y² / 36 माइनस, और ये x² / 9 4 जाओ तो 4 हो जाएगा = 1। और जब हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा आपका देखो 6/√5² 5 को मैं नीचे ले आया 36 से नीचे, और उसका स्क्वायर करके जो उसका जो अंडर रूट किया स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए वो 36/√5 हो जाएगा, इधर इसके लिए 2 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पर x² हो जाएगा और ये आपका y², और जब हम कंपेयर करेंगे तो ये सेकंड वाली फॉर्म बनेगी देखिए, तो y² / a² x² / b² = 1। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जो a की वैल्यू है ये आपकी 6/√5 आती है, और जो b की वैल्यू है ये आपकी यहाँ पर 2 आती है, और अभी e की वैल्यू निकालनी है आपको, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 36/5, तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ ऐसे करूँगा 36/√5 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपकी 4 है होल डिवाइडेड बाई, और ये आएगा 6/√5, तो ये आएगा 6/√5। चलिए इसको सोल्व करके लिखते हैं, थोड़ा देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो ये होगा 36 और 5 को जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा 4 से 20 हो जाएगा, तो ये होगा आपका 36+20, तो ये 56/5 √5, और नीचे जो आएगा ये आपका 6/√5 हो जाएगा, रूट फाइव गेट कैंसिल, तो आपको मिलेगा यहाँ पर √56/6। और इसको चाहें तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, ये आपका हो जाएगा देखो √56 को लिख सकते हैं आप 2√14, और ये हो जाएगा आपका 6, तो 3 जा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आपका √14/3। और अभी हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो a की वैल्यू है ये है 5/√5 और जो 6/√5, और जो e की वैल्यू है ये अभी हमने कैलकुलेट की थी, तो ये आई थी आपकी 14√14/3, तो ये हो सकता है आपका 3 2 जा, और ये होगा 2√14/√5। और अभी हम लोग देखेंगे 2b² / a की वैल्यू, लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम, ये 2 × और बी स्क्वायर की वैल्यू आपकी 4/a की वैल्यू है 6/√5, 6 नीचे लिखता हूँ √5 ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो ये आएगा 4√5/3। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछा है उसने फोकाए, और इसके लिए देखो कौन सा केस है आपका, सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या हो जाएगा, ये 0 ± a, और ये कितना हो जाएगा 0 ± a, तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगे आपके, देखिए ये होगा 0, ± और a की वैल्यू कितनी आई थी अभी हमारी 2√14/√5, और जो वर्टिक्स है ये आपका 0 ± और a की वैल्यू थी 6/√5। अब e की वैल्यू देखिएगा ये 14/3 है, √14/3 है, और लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम आपका आया था कितना 4√5/3। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि आपको दिया हुआ है ये है 49y² - 16x² 49y² - 16x² = ये है 784। तो देखिए हम लोग 784 को डिवाइड करते हैं, यहाँ पहले तो 784 को 49 से डिवाइड कर रहे हैं पहले, तो कितना हो जाएगा ये, ये देखिए आपका बनता है 49 1 जा, तो 49 ही हो गया, और कितना बचता है ये आपका यहाँ पर 9 हो गया, और इधर कितना बचता है यहाँ 2 हो गया, और अभी कितना बचेगा यहाँ पर आगे, ये 4 था,
तो 294, और अभी हम क्या करेंगे, शिक्षा, तो ये आपका 294 हो जाएगा। तो ये तो 16 जा चला गया, और फिर इसके बाद 16 से करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो चलिए इसे हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपॉन, जब सारे में हम लोग 784 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर राइट साइड में 1 बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 16, और एक्स स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 49 इक्वल टू 1, जिसको कि हम लिख सकते हैं कैसे, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट किससे कंपेयर करेंगे, फिर से ये बिल्कुल आपके सेकंड वाली फॉर्म बन जाएगी, और यहाँ पर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आपके पास है, ये 4 है और ये 7 है। तो चलिए 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर यहाँ पर देखेंगे क्या आएगा, ई की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम, देखिए, और ये होगा 4 4 जा 16 प्लस 49 का रूट अपॉन ए की वैल्यू क्या है आपकी 4, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, ये 5 हो गया और ये 65 का रूट अपॉन 4। अब हम ए की वैल्यू निकालेंगे, तो देखें यहाँ पर ए की वैल्यू आपकी 4 है और ए की वैल्यू 65/4, तो 4 कैंसिल, तो ये वैल्यू होगी रूट 65। अभी हम लोग लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर निकाल रहे हैं, ये 2b² बोले तो 49 अपॉन ए की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा आपका 49/2। अब हम इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो फोकाई के कोऑर्डिनेट होंगे आपके 0, ± और ए की वैल्यू आई आपकी रूट 65। इसी तरह आपका वर्टिक्स के लिए हो जाएगा 0, ± और ए की वैल्यू आपकी 4। अब ई की वैल्यू जब देखिए आप लोग, यहाँ पर दिया आपका 65 का रूट अपॉन 4, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगा आपका 49/2 यूनिट। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, और ध्यान रहे ये 5 नहीं 6 है क्वेश्चन। और अभी हम लोग 7th क्वेश्चन पे चल रहे हैं, और 7th क्वेश्चन में आपको इंस्ट्रक्शन चेंज की है उन्होंने, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 7 to 15 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, और यहाँ पे अलग अलग कंडीशन दी है। देखिए पहले से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा आप लोग, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज दिया है आपका ±2,0, व्हाट इज क्या है आपका ±2,0, और फोकाई दिया है आपका ±3,0। अब जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपका जो फोकाई है और जो वर्टिक्स है दोनों किस एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर, और आप देख सकते हैं कि ये आपका यदि मैं कंपेयर करूँ किससे, v±a,0 और f±ae,0, जैसे कि आपका पहले वाले केस में हमने दे रखा, देखो v और f दोनों की वैल्यू आपके सामने है, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी, और जो ए ई की वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं आपका x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब जो है आपका x²a² + y²b² = 1 - ये आपका हाइपरबोला का इक्वेशन होगा। तो अभी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर a और a² और b² की, a² की वैल्यू आपको दी हुई है, b² निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे e=1 + b² / a² का रूट, जो कि हो जाता है a² + b² √a। स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ए की वैल्यू, यदि मैं इसको यहाँ ले आऊँ तो ये ए की वैल्यू हो जाएगी a² + b² √, या और रखें तो मैं स्क्वायर कर देता हूँ दोस्तों, ए ई का स्क्वायर इक्वल टू होगा a² + b² चलिए सब स्टूट करते हैं, तो ए ई का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू, और a² की वैल्यू कितनी है 4 प्लस b² की आपको चाहिए, एम्प्लाइज b² की वैल्यू होगी 9 - 4 = 5। तो पुट कर देते हैं, पुट a² = यहाँ पर आप पुट करें, a² की वैल्यू कितनी है, ये आपके 4 एंड b² = आया आपका 5 b² = 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगी भाई, ये होगी आपके x²/4 + y²/5 = 1। तो स्टूडेंट ये है आपकी फाइनल इक्वेशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर आप देखेंगे, इधर रखना शुरू करेंगे हम क्वेश्चन को, और अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो
यहाँ पर आपका मिलेगा, देखिए यहाँ प्लस नहीं है, ये प्लस नहीं है, ये आपका माइनस है, इलिप्स के केस में प्लस होता है यहाँ पर, ध्यान रखेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, तो 8 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है जो वर्टिक्स है, ये दिया गया है आपको कितना 0 प्लस माइनस 5 और फोकाई दिया हुआ है 0 प्लस माइनस 8। तो देखो कंपेयर करेंगे आप किससे, 0 प्लस माइनस ए से, और ये एफ को किससे कंपेयर करेंगे, 0 प्लस माइनस ए से, कंपेयरिंग विद। तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर ए की वैल्यू मिलेगी आपको 5 और ए की वैल्यू मिलेगी आपको 8। और आप देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है आपका वर्टिक्स, और फोकाई भी आपकी वाई एक्सिस पे लाई करती है, तो ये कौन सी वाली फॉर्म हो जाएगी, ये सेकंड वाली फॉर्म होगी। तो इक्वेशन बदल दीजिएगा, यहाँ पर क्या बनेगा, ये होगा आपका वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ई की वैल्यू, ये फॉर्मूला हमारा सेम जो कहते हैं, ये हमने बताया था कि इस तरह से हम लोग जब रखते हैं तो फायदा हो जाता है आपका, कि जो आपका पॉजिटिव वाला इसको हमेशा ए लेते हैं हम लोग, कई बुक में इसको उल्टा भी दिया होता है, लेकिन हम हमेशा इसी को लेकर चलते हैं, इससे आपका ये फॉर्मूला सेम रह जाता है। तो अभी ए की यहाँ पर देखिए, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या है आपका 8 8 जा 64, और ए का स्क्वायर आपका 25, और बी स्क्वायर आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपका बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 64 माइनस 25, और ये वैल्यू होगी 14 माइनस 5 9, और इधर 5 माइनस कितना बचा, ये आपका 2, तो ये आपका 3 39। तो इस तरह से आपको मिलेगा यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आएगी, ये ए स्क्वायर की वैल्यू 25 और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 39। कहाँ पुट करेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 1 में। सो यहाँ पर पहली बात तो इक्वेशन ही बदल जाएगी, ये वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की फॉर्म होगी, और ए स्क्वायर की जगह पे आपका वैल्यू आएगा कितना 25, और बी स्क्वायर की जगह पे वैल्यू आएगा 39। क्वेश्चन ये थी आपकी फाइनल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। और अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, यहाँ वर्टिक्स दिया है 0 प्लस माइनस 3, और फोकाई दिया 0 प्लस माइनस 5, देखिए 0 प्लस माइनस 5। जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आपकी 3 और ई की वैल्यू 5 आ जाएगी। जब ए की वैल्यू 5 आई, ए की वैल्यू 3, तो फॉर्म तो देखो यही बनेगी, और यहाँ पर ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 25 इक्वल टू ए का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 25 माइनस 9, और ये हो गया आपका कितना 16। और पुट करेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू 9 एंड बी स्क्वायर की वैल्यू 16, कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये होगा आपका 9 और बी स्क्वायर की जगह होगा 16। तो ये बनी आपकी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फॉर क्वेश्चन नंबर 9th। और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th देखेंगे, यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस में दिया है फोकाए और ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ दिया है आपको, ठीक है। तो पहले तो मैं फोकाई देखता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में फोकाई दिया है आपका ±5,0, और जो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होती है आपकी 2a, इसकी वैल्यू 8 दे रखी है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस देखिए, देखिए सेकंड नंबर पे दैट इक्वल टू 2a इक्वल टू 8, तो यहाँ पे a की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब a की वैल्यू 4 आ गई, जब इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ में, f इक्वल टू प्लस माइनस ए कोमा 0 से, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, ये 5 होगी, a की वैल्यू 4 है। यूज करेंगे क्या, ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या आता हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आएगी 25 इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू 16 प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से आपको बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 25 माइनस 16, दैट्स इक्वल टू 9। सो पुट कीजिएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड बी स्क्वायर इक्वल टू 9 इन इक्वेशन, क्या होगी आपकी, यहाँ पे देखिए पहले वाला केस है जो फर्स्ट केस है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर आपका फोकस लाई कर रहा है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्या मिलेगा, देखोर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड हाइपरबोला ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। तो देखिए आपका फाइनल इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 10th के लिए,
और अभी देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 और 11th क्वेश्चन में आपको दिया है फिर से बिल्कुल सेम इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर फोकाई है आपका 0 ± 13 और इस बार कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ दिया है, कॉन्जुगेट थर्ड पॉइंट कितना है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, यानी कि 2b है। 2b की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, 24। तो यहाँ से आपको b की वैल्यू आ जाएगी 24/2 12। और यहाँ पर कंपेयर करेंगे किसके साथ, कि फोकस को f 0, ± a से, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 13, b की वैल्यू आ गई 12। और फार्मूला क्या था आपका, ए का स्क्वायर इक्वल जो हम करते आ रहे थे, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू कितनी है आपकी, 13 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू 140, ए स्क्वायर तो कैलकुलेट करना है, बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 144 और ये होगा आपका ए स्क्वायर इक्वल टू 169 - 144 = 25। तो ए की वैल्यू आपकी 5 आ गई, बल्कि हमें ए स्क्वायर ही कैलकुलेट करना है। तो पुट ए स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड बी स्क्वायर इक्वल टू 144 इन इक्वेशन, क्या होगी देखिए यहाँ पे, ये सेकंड वाला केस है क्योंकि फोकाई आपकी वाई एक्सिस पे लाई कर रही है, तो ये होगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें पुट कर दीजिएगा। सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो हमें चाहिए क्या होगी इसकी, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बोले तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बोले तो 144 इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट ये है आपका फाइनल इक्वेशन फॉर हाइपरबोला। और अभी आप क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12th, और 12th क्वेश्चन में आपको इंस्ट्रक्शन थोड़ी सी इन्होंने चेंज कर दी है, लेटस रेक्टम के टर्म्स में क्वेश्चन दिया देखो। तो यहाँ पर आपको फोकाई दिया है ±3√5,0 और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यानी कि 2b स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू दी है आपको कितनी, 8। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिलती है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बीच में रिलेशन आता है, तो यह आ जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 8a, 2 से कैंसिल करेंगे तो b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4a। और जब आप इसको कंपेयर करेंगे किसको, फोकस को किसके साथ में, फोकाई ±ae,0 से, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी 3√5। तो ये हो जाएगा, देखो अभी हम यूज करते हैं ए का स्क्वायर जैसे कि हम करते जा रहे थे, इक्वल टू क्या था आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 3√5 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू 4a के बराबर है। तो अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 5 = 45 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4a। तो इक्वेशन बनी आपकी ए स्क्वायर प्लस 4a और प्लस 45 माइनस 45 इक्वल टू 0। तो मिल्टन स्प्लिटिंग करते हैं, ए स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45 इक्वल टू 0, ए कॉमा ए माइनस 9 और ए प्लस 9 माइनस 5 कॉमन ए प्लस 9 इक्वल टू 0। इस तरह से आपके दो फैक्टर बनेंगे, एक ए माइनस 5 और ए प्लस 9, इसका प्रोडक्ट आपका 0 है, इसका मतलब दोनों में से कोई भी एक 0 है, तो ए माइनस 5 इक्वल टू 0 विल गिव यू रिजल्ट ए इक्वल टू 5 और ए प्लस 9 इक्वल टू 0 से आपको मिलेगा ए इक्वल टू -3 - 9, जो कि नॉट पॉसिबल क्योंकि ये लेंथ है। तो इसके अकॉर्डिंग 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 18 है और लेंथ नेगेटिव नहीं होती, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ए इक्वल टू 5 हुआ। यदि ए इक्वल टू 5 है तो बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, देखो तो फ्रॉम वन बी स्क्वायर की वैल्यू की 4 × 5 = 20 एंड ए का स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर की वैल्यू होगी 25। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा, जब देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर आपका लाई करता है फोकस, तो आपका ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस होता है यहाँ पर इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू 25 रखिएगा, बी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू 20 इक्वल टू 1। तो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाई 25 माइनस वाई स्क्वायर बाई 20। और अभी हम क्वेश्चन देखेंगे
13th क्वेश्चन, यहाँ पे 13th क्वेश्चन में आपको दिया गया है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका 12th था, और अभी 13th क्वेश्चन में दिया आपको फोकाई 4 प्लस माइनस -4.0 और लेटर रेक्टम की लेंथ फिर से दिया, ओके तो फिर इसी में करेक्शन करके करता हूँ ना, ये होगा +4.0, तो ये तो आपका 4 हो गया, और ये आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये कितना दिया है आपको, ये दिया है इस बार 12, तो यहाँ पर देखिए आपका 2b² = 12a, यहाँ पर यदि 12 हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से आपका 6 आ जाएगा, तो b² = 6 से आ गया। अब इससे जब कंपेयर करेंगे प्लस माइनस ae से, +ae.0, तो यहाँ से आपको आएगा ae की वैल्यू कितनी होगी, 4। अब ae² = a² + b² का फॉर्मूला जो कि हम यूज करते आ रहे हैं, तो ए की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ये आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, a² + b² की वैल्यू कितनी है, 6 है, और यहाँ पर कितना हुआ, 4 + 4 = 16, और ये हो गया आपका -16, तो a² + 6 है, तो ये क्वेश्चन बनेगी a² + 6 है -16 = 0, और ये वैल्यू हो जाएगी a² मिल्टन स्प्लिटिंग करिए, देखिए 6 के लिए तो ये 8a - 2a हो जाएगा, और फिर यहाँ पर जो फैक्टर हो जाएगा 8 और ये तो -2 लेंगे तो ये भी 8 हो गया, यहाँ पर आप लीजिएगा a - 2 और ये होगा a + 8, और a - 2 = 0 या फिर a = 2, और यहाँ पर a + 8 = 0 या a - 8 ये पॉसिबल नहीं होगा फिर से, तो देयरफॉर a की वैल्यू क्या रह गया, ओनली 2 रह गई, और यदि a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू कितनी थी, 6 times a, और ये आपका 6 times a, और यहाँ पर 2 रखूँगा ये हो जाएगा आपका 12, और a² की वैल्यू आपकी 4, तो देखिए स्टूडेंट ये आपका x² / a² - y² / b² वाला ही केस होगा, क्योंकि x-axis के ऊपर लाई कर रहा है फोकस, तो a² की वैल्यू आपकी 4 थी और b² की वैल्यू 12 = 1, और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो अभी जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, और यहाँ पर देखिए आपको इंस्ट्रक्शन चेंज की है थोड़ी सी, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर आपको दिया गया है वर्टिक्स दिया हुआ है, एक तो ये कितना है +-7.0 और ई की वैल्यू दी गई है दैट इज 4/3, तो इसे किससे कंपेयर करेंगे, ये +-a.0, तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल गई 7, ए की वैल्यू आपकी 4/3 है, ये आपका वर्टिक्स इस पर लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसका मतलब इसका इक्वेशन क्या होगा, सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये हो जाएगा आपका x² / a² - y² / b² = 1, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, b² की वैल्यू चाहिए, a² की वैल्यू तो यहाँ से मिल जाएगी, तो यूजिंग e = 1 + b² / a² √, तो जब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का तो ये हो जाएगा देखो e² = 1 + b² / a², और यहाँ पर आप देखेंगे तो b² / a² की वैल्यू आएगी e² - 1, दैट इज कितना हो जाएगा, b² की वैल्यू कितनी है निकालने का है, a² की वैल्यू 77 या 49 = e² की वैल्यू 16/9 - 1, तो वैल्यू आती है b² / 49 = 16 - 9, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7/, और ये नीचे आ जाएगा आपका 9, तो इस तरह से आप देखेंगे जो b² की वैल्यू आएगी आपकी ये होगा 343, और b² की वैल्यू आगे देखो आपको 343/9, अब a² की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट है, तो पुट a² = 49 and b² = 343/9, इन इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो ये यहाँ पर देखिए आपका जो वर्टिक्स है एक्स एक्सिस के ऊपर दिया हुआ है, तो x² / a² पॉजिटिव होगा -y² / b² = 1, तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी, देखो x² / 49 - y² / 343, और 9 ऊपर चला जाएगा तो -9y² / 349 हो जाएगा, ये 343, और ये इक्वल टू होगा 1, तो इस तरह से ये आपके आई फाइनल इक्वेशन फॉर द हाइपरबोला। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और
यहाँ पर आपको दिया है फोकाई, देखिए 0, ± √10 का मतलब ये आपका सेकंड केस हो जाएगा, क्योंकि 0, ± AE यानी कि ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है। तो यहाँ पर आपको फोकाई दिया गया है और वैल्यू है 0, ± √10 और एक पॉइंट दिया जिसे ये पास करता है और ये पॉइंट है आपका 2, 3। चलिए तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन इससे आपको क्या पता चलता है, देखो जब हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ में, 0, ± AE से, तो क्या हो जाएगा, देखो ये आपका AE का वैल्यू मिल जाएगा, AE का वैल्यू कितना हो गया आपका 10 √, तो यहाँ से, और इसका मतलब क्या हुआ, AE का मतलब जो AE का स्क्वायर होता है वो A² + B² होता है, आपको मालूम है, तो A² + B² = कितनी हो जाएगी वैल्यू, स्क्वायर कीजिएगा इसका 10, इक्वेशन नंबर 1 हम इसको कहेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बी, देखिए अब यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है इसका फोकस, तो ये हम लिखेंगे y² / A² - x² / B² = 1। अब ये 2, 3 जो पॉइंट है ये इसके ऊपर लाई करता है तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो एज ए पॉइंट है 2, 3 लाइज ऑन पैराबोला हाइपरबोला, तो इसकी इक्वेशन 2 है, सो पुट करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 9 / A² - 4 / B² = 1। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 9 / और ए स्क्वायर की वैल्यू, अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर को लिख सकते हैं आप लोग 10 - B², तो ये हो जाएगा 10 - B² - 4 / और 2² की जगह तो 2² है = 1, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 9 B² - 4 × 10 - B² / B² × 10 - B² = 1। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 B² - 40 + 4 B² = ये हो जाएगा 10 B² - B²² और अभी आप देखेंगे यदि मैं 2² को k मान लूँ, तो पहले मैं सोल्व करता हूँ, ये हो जाएगा आपका इधर लाता हूँ तो 2² का स्क्वायर और फिर ये 23 हो जाएगा, 10 को इधर लाता हूँ तो ये आपका 9 और 4 = 13 और 13 के साथ ये आएगा आपका -4, तो जब हम -4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे इसको, तो देखिए यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका 13 - 10 + 3 B² और माइनस का हो गया आपका 40। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं पुट करता हूँ 2² = यहाँ पर मैं k पुट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका देखो k² + 3k - 40 = 0। तो मल्टीपल स्प्लिटिंग करेंगे तो आएगा k² + 8k - 5k - 40 = 0 और यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी k² और k कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से, तो यह आएगा k + 8 - 5k + 8 = 0। तो शॉर्ट करने पर आएगा आपका दो फैक्टर हो जाएंगे k - 5 और दूसरा हो जाएगा k + 8 = 0। यहाँ से दो वैल्यू मिलेंगे, k की वैल्यू आएगी फाइव और दूसरे से आएगी k की वैल्यू -8। और वैल्यू किसकी है, k किसी वैल्यू तो आपको याद है अच्छी तरह, ये जो k किसी वैल्यू है ये आपका 2² का वैल्यू है, एम्प्लाइज 2² = 5 और 2² = -8, तो ये वैल्यू तो आपकी नॉट पॉसिबल होगी, ये तो हो ही नहीं सकता, तो 2² की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब यदि 2² की वैल्यू 5 आ गई तो हम कहाँ रखेंगे A² की वैल्यू निकालने के लिए, देखो यहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ पर A² की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 - वैल्यू ऑफ 2², तो कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 2² की वैल्यू 5 रख देता हूँ तो ये वैल्यू आ गई 5। तो ध्यान रहे स्टूडेंट,
यहाँ पे आपका ए स्क्वायर की वैल्यू भी 5 और बी स्क्वायर की वैल्यू भी 5, दोनों को उठाकर हम कहाँ रखेंगे देखिए. सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस पर फोकस ला कर रहा है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. और यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर अपॉन और ए की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन और बी स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी है आपकी 5 इक्वल टू 1. तो दिस विल बी योर फाइनल इक्वेशन ऑफ पैराबोला. इनको मैं गोल कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि जो आपका रेक्टेंगल में ये आपका फाइनल आंसर है. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15. देखिए यहाँ पर हमने अभी चेंज नहीं किया है, तो ये 15th क्वेश्चन है. इट वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज. और इस तरह आपकी एक्सरसाइज 11.4 कंप्लीट होती है. होप आपने एंजॉय किया होगा. अभी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में. टेक केयर.